हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स पटना की एक नई स्टाफ नर्स की वैकेंसी के अपडेट को लेकर। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि अपडेट सबसे फास्ट और सबसे पहले मिल सके। देखिए साथियों, यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। हालांकि नॉर्थ सेट में जो वैकेंसी आई है वो आपके लिए परमानेंट है, लेकिन ये यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो किसी प्रोजेक्ट के अंडर निकाली गई है। प्रोजेक्ट का नाम है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, इसके अंतर्गत ये वैकेंसी आने वाली है। क्या वैकेंसी निकाली गई, क्या क्वालिफिकेशंस है, सारी बातें इसी वीडियो में पता चल जाएगी। तो देखिए साथियों, जो अपने काम की है स्टाफ नर्स की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। टोटल पोस्ट क्या है, क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई है, सारी बातें आप देख लीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साथियों, नर्स जो कि आप स्टाफ नर्स जिसे आप नर्सिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं, टोटल 5 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको क्या और कैसे करना होगा। क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो ANM GNM कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस है वो आपसे नहीं मांगा गया है। इसके अलावा साथियों, जॉब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो यहाँ पर आपको देखनी होंगी, लेकिन आपके लिए बड़ी खुशखबरी यही है कि यहाँ पर केवल और केवल GNM और BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं उनको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पर 40 ईयर रखी गई है। अगर सैलरी की बात करें साथियों, तो यहाँ पर आपको 22,000 रुपये पर मंथ सैलरी जो कि फिक्स मिलने वाली है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ये वैकेंसी रखी गई है, मात्र 6 मंथ के लिए वैकेंसी होने वाली है, हालांकि इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। काम कहाँ करना होगा, काम साथियों आपको एम्स पटना में और फील्ड विजिट करना होगा। अब देखिए साथियों, अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए साथियों, जिनको भी यहाँ पर अप्लाई करना है, जो भी इंटरेस्टेड हैं, उनको 10 मई शाम 5 बजे तक secretary@aimspatna.org जो जीमेल है इसके ऊपर आपको सभी अपनी डिटेल भरनी होंगी। अप्लीकेशन फॉर्म भी इनके द्वारा दिया गया है, वो फॉर्म भी आपको भरना होगा, वो हम अभी आपको दिखा देंगे। उसके साथ में वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो भी आपको बता देंगे। इंटरव्यू साथियों आपका 17/5 को होने वाला है, मतलब 17 मई को यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू के लिए आपको एम्स पटना में जाना होगा। इसके अलावा वो कोई भी TO/DA नहीं दिया जाएगा, कोई भी परमानेंट वैकेंसी ये है नहीं। अब चलिए साथियों, यहाँ पर जो सैलरी यहाँ पर दी गई है, इन्होंने ये बता दिया है कि कोई भी आपको अदर बेनिफिट या कोई अदर जो अलाउंसेज है वो नहीं दिए जाएंगे। एज रिलैक्सेशन है, आप सभी जानते हैं, SC ST OBC कैंडिडेट को मिलने वाला है। अब जो भी कैंडिडेट हैं साथियों, उन सभी को ये जो अपने बायोडाटा हैं, अपना CV भेजना होगा। इसके अलावा जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भरना होगा। 2 रीसेंट पासपोर्ट जो साइज़ फ़ोटो हैं, प्रूफ ऑफ एज है, कास्ट सर्टिफिकेट है, डिग्री का सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। इसके अलावा अदर कोई क्वालिफिकेशंस है, NOC वगैरह अगर है तो। देखिए साथियों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको प्रिंट करना है और निकलवा के इसको फिलअप करना है, और जो दी गई जीमेल है इसको उस जीमेल पे सेंड कर देना है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात साथियों ये है कि आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो कैंडिडेट जब जाएंगे तो साथ में भी लेके जाएंगे, और इन्हीं डॉक्यूमेंट की एक एक जो कॉपी है वो आपको इस जीमेल पर भी सेंड करनी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।